अक्सर आपने देखा होगा कि नेताओं के जन्मदिन पर उनके शुभचिंतक सड़कों पर स्टेज लगाकर या डीजे बजाकर जन्मदिन का केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन बोरीवली विधानसभा के भाजपा के विधायक सुनील राणे के जन्मदिन पर उनके शुभचिंतक समाज सेवक दिनेश झाला, ज्योतिबाई, मनोज कामले, दिलीप आमले ने सुनील राणे का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। उन्होंने कांदिवली के चार कोप में स्थित बानुघर वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों की सूद लेकर सुनील राणे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुजुर्गों को भोजन कराया और फल वितरण कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और वृद्धा आश्रम के विकास को लेकर चर्चा भी की। आज 3 तारीख को हमारे यहाँ के लोकप्रिय जो आमदार है सुनील राणे जी, उनका जन्मदिन है। सुनील राणे साहब के यहाँ पे अभी जन्मदिन के यहाँ पे हम लोग हमेशा होर्डिंग लगाते हैं, कोई अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, वो सब करने का हम लोगों ने साफ मना कर दिया था कि कोई वेस्ट ऑफ मनी मत करो और आप लोगों के कुछ काम आ सको, ऐसे कुछ काम करो तो मुझे उसकी खुशी ज़्यादा होगी। तो उनकी ये बात सुन के हमारे दिल में आया कि ऐसा कुछ काम किया जाए, तो वजह से हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में आए हैं। हमारे अमलानी साहब है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ सालों से आश्रम चला रहे हैं। जो भी वृद्ध है, बीमार है, ऐसे लोग को वो साथ में रख के उनको खाना पीना दवाई सारा जो भी उनसे बन पड़ता है सब करते हैं। उनके पास जो भी व्यवस्था है वो तो करते ही है और हमारे ऐसे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हमको आज मौका दिया कि हम कुछ एक छोटा सा कुछ ना कुछ काम कर सके, वो वजह से आज हम लोग यहाँ आ गए। और राणे साहब का बर्थडे हम आज इस तरह मना के एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी जो सोच है कि कोई फालतू में पैसा वेस्ट करके होर्डिंग लगा के या तो और कुछ भी खर्चा करके जो पैसे वेस्ट होते हैं उससे दुनिया में बहुत ज़रूरतमंद है, उनके कुछ काम आना चाहिए और लोगों को कुछ अच्छा मिल सके और हमारे ऐसे जो भी बन पड़े वो करना चाहिए। तो वही एक हमको एक अच्छी सोच मिले वहाँ से और उसके लिए हम लोग आ जाए और दिलीप साहब को हमने मिले बारे में। लेकिन ये जो हो रहा है समाज ने भी सोचने की ज़रूरत है। जो बाप माँ आपको छोटे से बड़ा कर देते, अपना पेट काट के आपका पेट भरते हैं, उनको इस तरह से अगर छोड़ा जाए तो ये बहुत दुख की बात है। हर एक आदमी ने सोचना चाहिए, हर बात में सरकार ही क्यों कुछ करे, हम भी तो इंसान है, हम भी तो अनाज खाते हैं, हमको नहीं समझता, हम क्यों सरकार के पीछे पड़े। हर एक आदमी को अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। अपने बूढ़े बीमार माँ बाप को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है आपसे हो नहीं पा रहा है, पैसे नहीं कमा रहे हो, पैसे नहीं आपके पास, अगर उसके और भी रास्ते हैं ना, लेकिन आपकी पहले सोच तो होनी चाहिए कि उनको मैं मदद करूँ, उनके साथ खड़ा रहूँ जो भी परिस्थिति है। तो मेरी यही इच्छा है लोगों को कि आप खुद खड़े रहो और लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अगर आप नहीं कर सकते तो और किसके लिए करेंगे। तो अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मुश्किल तो तब होता है कि जब जो लोग घर अपना यहाँ पर रखने को आते हैं वो जब भी कुछ ऑब्जेक्शन लेते हैं तब दुख होता है, क्योंकि हम लोग उनको बहुत दिल से संभालते हैं और घर वाले जो छोड़ के जाते हैं वो कुछ बात से ऑब्जेक्शन लेंगे ना तो तकलीफ़ होता है। अगर वो हम लोग को फ्री हैंड दे देवे तो हम लोग अपने माँ बाप से भी बढ़कर ज़्यादा अच्छा उनको संभालते हैं। तो हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग रखे जाते हैं तो वो हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं ले, कोई किसी तरह से कोई पूछे नहीं सवाल कि ये क्यों हो गया, क्योंकि हम अपने घर वालों को नहीं टाइम देते लेकिन उनको समय देते हैं। अभी दिनेश साहब का तो मैं देखा, वो अभी आए थे कल भी, उन्होंने देखा कि एक डिमेंशिया के पेशेंट को मिले दिनेश भाई झाला, उनको खुद को ऐसा दुख हो गया कि मैं इनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता टाइम पर, ऐसा कुछ मूवमेंट है, उनको भी दुख हुआ, उनकी आंखों से पानी आया कि कल वो आए थे वो लेडी कुछ बोल रही थी आज कुछ बोल रही है। तो ये जो डिमेंशिया वाले पेशेंट है वो इस तरीके से दिल तोड़ देते, मैं घर वालों को कभी दोष नहीं दूंगा, बच्चों को, किसी को भी, क्योंकि ये मूवमेंट ही ऐसा रहता है। बट एक्चुअली जो लोग संभाल रहे और जो इस तरह के काम कर रहे हैं जैसे अमलानी साहब है, दोषी प्रीति मैडम है, तो उनको तो एटलीस्ट सपोर्ट करो। सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं चाहिए, फाइनेंशियल देने वाले तो बहुत है, वो तो देते ही है, बट इस तरह का एटमोसफेयर बनाए कि हम लोग की भी हिम्मत बढ़े, हम लोग को ये नहीं पूछे कि ये क्यों हो गया। हम लोग रात को 2-2 बजे उठ के आते हैं, जब भी हमारा आदमी फ़ोन करता है कि ये पेशेंट गिर गया कुछ हुआ, तो ऐसे वक्त घर वाले भी नहीं आते, उनको फ़ोन करेगा तो बोलते नहीं नहीं सुबह आप कुछ करो, सुबह देख लेंगे। तो हम लोग को तो एटलीस्ट फ्रीडम दो, दिल से काम कर रहे तो काम करने का मजा तो लेने दो। अपने माँ बाप को तो हम लोग गए चले गए बेचारे, बट इनको तो हम लोग अपने माँ बाप की तरह ही देख रहे। तो यही रिक्वेस्ट है, अभी जैसे अमलानी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि ये एक छत में, अभी हम लोग का 4 बंगले वहाँ पर 97 से 100 लोग हैं उनका कैपेसिटी, 30 लोग काम कर रहे हैं, तो ये पूरा संभालना बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा कोई प्लॉट या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर रेडी मिल जाए तो दिनेश भाई जैसे लोग तो फाइनेंशियल कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, ग्रोसरी देंगे, हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो अपन इनको बहुत अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इलाज ही नहीं है, डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है। वो भटकते हैं, कहीं जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, फिर घर वालों को और तकलीफ होती है। तो उससे अच्छा जिनको भी ये तकलीफ है वो घर वाले खुले दिल से ला के रखें, ये कोई आश्रम नहीं है, ये सेवा है, हम सबको मिलके करना है, इस तरह का रोग को छुपाए नहीं,
अपने माँ बाप को है, बच्चों को, किसी को भी है, वो खुले दिल से घर और बाजू वाले को बोले कि मैं ग्रोसरी वाला है, दुकान वाला है, रिक्शा वाला है, कि मेरे माँ बाप को ये तकलीफ़ है, वो कहीं गलती से निकल जाए तो भाई पहुँचा देना, जेब में कार्ड रखे या हमारे संस्था में ला के छोड़े, ऐसा कोई तो ऐसा काम करे। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। हमारी तरफ से सुनील राणे साहब को बहुत बहुत बधाई, इस तरह के नेता को जो इस तरह का काम करते हैं, जैसे आज दिनेश भाई को भेजा कि कोई खर्चा मत करो, ऐसे गरीब लोग, अनाथ लोग, जिनको भी हेल्प कर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने यहाँ पे समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले 6 साल से आश्रम चला रहे हैं। पहले तो मैं आमदार श्री सुनील भाई राणे को 8 दिवस की खूब खूब शुभकामना देता हूँ। हमारे मारूगढ़ के वृद्धाश्रम के 106 माँ बाप की ओर से हमारे ट्रस्टी में दिलीप अमलानी, प्रीति दोषी, मनोज भाई कामले, और ये आश्रम में हम लोग यहाँ पे सिर्फ बीमार लोगों को ही लेते हैं। बीमारी में पार्किंसन, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, कैंसर, HIV, कोमा पेशेंट, फीडिंग पाइप कैथेटर वाले पेशेंट को लेते हैं। राणे साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के घरों में, माँ बाप घरों में किसी को पसंद नहीं है, वो नए कपल्स बच्चों को लाना नहीं चाहते हैं, तो इस उम्र, ये समय में जो 40 से लेकर 60 साल के लोग हैं, उनकी आगे परेशानी कितनी बढ़ेगी, तो इस बारे में सोच के ऐसा कोई प्लान बनाइए कि लोगों तक वृद्धाश्रम में आना नहीं पड़े। और आपसे हमारा ये प्रपोजल भी है, और हमारा मारूगढ़ में जो 106 माँ बाप आए हुए हैं, उनकी ओर से भी आपको रिक्वेस्ट है कि वृद्धाश्रम में आने के लिए रोकने के लिए कोई पॉलिसी बनावे। वृद्धाश्रम तो ऐसे बंद नहीं होंगे, लेकिन हम लोग सामाजिक प्रवृत्ति करेंगे तो ज़रूर वृद्धाश्रम कम हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।